स्टार्ट करते हैं लेक्चर आपका फिजिकल एंड केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट लेक्चर। हमने बहुत सारी बातें कर ली है जिसको हमने आपसे पूछ भी लिया, हमारे जो काम का चीज था, बाकी तो हमको ऐसे ही उनके साथ में मिलते हैं, ठीक है। सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले बात तो बोलते हैं जीरो से ही करो। सो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने बात किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, हमने बात कर ली है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की। अब उनको देख के हम कोई पूछता है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा बखान करो कि इन लोग एक्चुअल में है कौन, क्या क्या कर सकते हैं। तो उनको देख के ही हमको सब चीज को बताना है। तो पहला जो कैरेक्टर होता है वो ये बोलता है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो मैं उसी टाइम भी बताया था। अरे बताया था क्या? Yes, sir. क्या ये सही बात है? तो इसको पहचानने के लिए मैं ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि मन में हाँ लग तो रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं। क्या आपको पता है कि इनके बीच रिश्तेदारी क्या होती है? इनके बीच रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, उन रिश्तेदारी को ढूंढो। अगर रिश्तेदारी आपको पता होगा तब तो बता पाओगे कि वो चाचा लगता है कि बुआ है कि फूफा है कि क्या है, ठीक है। सो रेट इज इक्वल टू, एक्चुअल में जीरो ऑर्डर के लिए होता क्या है, के ए की पावर में 9। इसका सीधा मतलब है कि रेट इज इक्वल टू के। यहां पर रेट और के अलावा अगर रिश्तेदारी पूछता है मेरे को ए के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ, तो वहां पर कोई रिश्तेदारी नहीं है। और कोई रिश्तेदारी नहीं है मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट के ऊपर। ऐसा होता है कि नहीं भाई? अरे रास्ते पे कितने लोग चलते हैं? बहुत लोग चलते हैं। तो क्या सबको आप हाय बोलते हुए चलते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप हाय किनको बोलते हो? बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके साथ वो अगर कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से आपको वो रिलेटेड है, तभी तो आप वहां पर कुछ बोल पाएंगे, चाहे वो क्लासमेट्स हो, चाहे वो कहीं से रिलेटिव्स हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अगर यहाँ पर इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, हमको अगर ये रिएक्ट प्लॉट करके बताओ बोलेगा, तो अगर वो यहाँ रेट और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर आपको प्लॉट करवाता है, जिसको मैं सीधा ऐसे दिखा देता हूँ, तो बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा। इसके लिए तो ग्राफ आप पहले भी प्लॉट किए हो, शायद होमवर्क दिया था क्या? तो कैसा प्लॉट किए थे? यही तो था क्या? अरे ऐसा ही होगा क्या? अरे हाँ बोलो। यस सर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इनका रेट कांस्टेंट रेट के ऊपर इस ए का जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ आया? यस सर। यस सर। लेकिन कोई बोलता है कि सर इसको यहीं पास दिखाना जरूरी है क्या? तो भैया रिएक्शन हो रहा है मतलब उसका कुछ रेट तो होगा, इसीलिए इसको मैं जीरो के ऐसे जीरो पे नहीं चलाया, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू दिया मैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेट होगा। अच्छी बात ये थी कि ए के साथ जो है उसका रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसीलिए वो जो है अपने रास्ते मस्त शांत एकदम स्ट्रेट चल रहा है। ओके, क्या ये रिलेशन इस ग्राफ को वेरीफाई कर रहा है?
यस सर, इसीलिए तो क्या आपको नहीं लगता कि यस सर, इसीलिए मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाया? क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, ये सब रिलेशन। तो यहाँ बोलोगे सर ऐसा कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है, वाई तो दिख रहा है लेकिन एक्स का नामो निशान नहीं दिख रहा है इस इक्वेशन में, समझ आया? बट वाई, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट, या रेट या फिर रेट कॉन्स्टेंट विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? यस सर, यस ठीक, कॉपी पेन निकाल के चलें। सेकेंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो ये बोलता है कि दी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ किसके रिएक्टेंट की। तो आप बोलोगे क्या ये सही है? तो इतना बड़ा लाइन याद करके जाने बहुत दिक्कत होता है। मैं तो ये बोलूंगा क्या तुमको पता है कि इसका हाफ लाइफ और इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर कोई रिलेशन है क्या इसका? तो ऑब्वियसली भाई टी हाफ का रिश्तेदारी पूछूंगा तो मेरे को टी हाफ को ही पता करना पड़ेगा, टी हाफ से ही पूछना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्तेदारी है। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2k, अरे यही होता है। तो ये टी हाफ बता दिया कि हाँ मैं तो कुछ इस टाइप से इतने लोगों से मेरा जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशनशिप है। सो यहां पर ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा था क्या? ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा था क्या? यस सर, तो अगर कोई बोलता है मेरे को कि ग्राफ प्लॉट कर ग्राफ, मैं तो ये तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट होगा तो कैसे बनेगा? तो ग्राफ पूछेगा वो किनके किनके भी ग्राफ पूछना है खींचना है ये भी बता। तो वो बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी हाफ के बीच ग्राफ खींच। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो पूछ चुका हूँ कि किनके किनके बीच क्या रिश्तेदारी है। सो इट इज वाई टी हाफ, देखो वाई कोऑर्डिनेट में वाई ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज एक्ट इज एक्स, और बाकी बचे वो, अरे बाकी बचे वो स्लो स्लोप एम। एंड और ये स्लोप एम जो है उसका वैल्यू क्या होगा? 1/2 1/2 के। आप कोई बोलेगा नो डाउट सर कि ये जो ग्राफ है वो तो लिनियरली इंक्रीज हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। दिख रहा है क्या? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ओरिजिन पॉइंट से होगा? क्या ये ओरिजिन पॉइंट से इंक्रीज होगा? मेरी बारी, कौन बोल रहा है बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो मेरी बारी। अगर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर अगर वाई को भी जीरो रखेंगे तो एक्स भी तो जीरो ही हो जाएगा ऑब्वियसली, अरे तो एक्स यहाँ पर देखो ओरिजिन ए इज से। इक्वल टू जीरो होगा रखूंगा मैं तो वहां पर टी हाफ भी मेरा जीरो होगा। तो नो डाउट कि ये इंक्रीज होगा वो कहाँ से होगा?
जीरो से होगा। समझ आया? अगर कोई पूछता yes, है कि यहाँ पर अगर स्लोप क्या है, तो ये जो स्लोप है इज इक्वल टू जो टेन टेन थीटा होता है, यहाँ पर ये स्लोप जो है ए बाई टू के है। तो वो गया जमाना, ये तो ट्वेल्थ में पढ़ते थे आप कि प्रॉपर्टीज बताओ तो इसके लिए, इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं तुमको जब क्वेश्चन दूंगा तुम्हारे पेपर में, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वी ऑब्टेन्ड अ स्लोप ऑफ एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू, देन व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ आया? यस सर। ठीक है, सो क्यों ना अभी पूछ लिया जाए, अभी पूछ लिया जाए। तो देखो क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपका ग्राफ ग्राफ प्लॉट होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिएक्शन क्वेश्चन को, अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ टी हाफ वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्लोप मिलता है मेरे को जो ऑब्जर्व्ड स्लोप है, ऑब्जर्व्ड स्लोप वो मिलता है 2.0 इंटू 10 to the power -3 मोलर इनवर्स मिनट। देन डिटरमाइन क्या, फर्स्ट रेट कांस्टेंट, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 मोलर, एंड व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, टी हाफ व्हेन कंसंट्रेशन इज 4 मोलर। सॉल्व इट, जल्दी सॉल्व करो। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, देख लीजिए क्वेश्चन को और समझ लीजिए अच्छे से। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या पूछा, अरे क्या पूछा पहला, के पहले तो मैं दिमाग लगाऊंगा, मेरे को डेटा दिया है तो स्लोप का, और पूछा है मेरे को के, तो क्या ऐसा कोई है इक्वेशन जिससे मेरे को याद आ रहा है कि के और स्लोप में कोई रिलेशन बने। अगर के और स्लोप में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो फिर मैं चुपचाप क्वेश्चन छोड़ दूंगा, मेरे सॉल्व नहीं होने वाला, कुछ भी अपने मन की नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि मैंने अभी पढ़ा है कि जब जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ वर्सेस रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट किया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्लोप होता है उस स्लोप के वैल्यू में ये मेंशन होता है के, तो अल्टीमेटली वो स्लोप दिया है, मतलब हाँ अब जो है सभी को जो आपकी वैल्यूज है वो गिवन है, तो मैं यहां से के निकाल सकता हूँ। यही गलती की है, आप जो पहले जो आंसर दिए थे कोई 20 क्या नाम है सुंदर जो है कि yes, आप सीधा गलती कर दिए कि सर के इसमें है, हाँ स्लोप के बराबर ही होगा सर के या सर, लेकिन अगर आप लिखते इसको स्लोप इज इक्वल होना पॉइंट टू के, तो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा मैथ तो आपको आता होगा कि के यहाँ पर भैया स्लोप के बराबर नहीं, बल्कि के इधर जाएगा स्लोप नीचे आएगा, है ना। यस सर, यस ठीक। सो
स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या दिया है 2.0 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, क्या था इनवर्स की, क्या मोलर इनवर्स मिनट इज इक्वल टू है आपका 1/2 के। सो के को कहां ले जाओ, इधर 2 × 10⁻³ मोलर इनवर्स, सॉरी होता है गलती, 1/2 × 2 × 10⁻³ मोलर इनवर्स मिनट। अरे समझ रहे हो, तो कोई बताया था मेरे को कि अभी जो आंसर लिखे थे पीछे के इज इक्वल टू 1/4 × 10⁻³ ऊपर जाएगा मोल, तो ये इनवर्ट जो है मोल में कर मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बेचारा मिनट जो है मिनट इनवर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि के का यूनिट सही आ रहा है, तो कोई बोल रहा है कि हाँ सर सही आ रहा है, क्योंकि मोलर इज इक्वल टू तो मोल पर लीटर होता है और टाइम जो है बढ़िया मिनट इनवर्स में आ रहा है। हाँ सर यही होता है, मतलब हम सही जा रहे हैं, रास्ता सही है। अब क्या होता है कि भाई इतना बड़ा तो क्वेश्चन में कवर ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपको दे दिया, तो ये इतना अच्छा ऑप्शन थोड़ी बनाएगा आपको बटे बटे में, वो मुझे क्या करता है सॉल्व कर ले भाई। जब सॉल्व करोगे तो 10⁻³ ऊपर ले जाओ, नॉर्मली सॉल्व करोगे तो जो एक स्टूडेंट जो आंसर दे रहा था 250 मोलर मिनट इनवर्स, यही आएगा क्या? यस सर। तो अभी तो लेजी पना मत करो, अभी तो मोबाइल हाथ में है, अरे हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड। अब क्या करते हैं कोई कई लोग कि जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्यूशन सेकंड, तो बोल रहा है कि रेट, ठीक है। अब रेट का फॉर्मूला वो रटेगा, तो रेट बोलेगा तो रेट और के ए ऐसा कुछ, और वो बोलेगा ए ए नॉट, तो रेट इज इक्वल टू क्या है के, यही तो होगा क्या। और के अभी आपने निकाल लिया गिवन डेटा से, तो क्या के का जो वैल्यू आया वही रेट का वैल्यू होगा? यस सर। लेकिन एक दिन क्या करेगा, सर ए का जो 2 मोलर दिया है उसको मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि रेट के इक्वेशन में सर ए का तो कहीं जगह ही नहीं दिखता, तो 2 मोलर को क्या क्यों दिए थे, नहीं बोलेगा क्या? बोलेंगे सर। बोलेंगे, क्यों बोलोगे? क्योंकि दिया हुआ है। अच्छा, तो वहां से आपको के आइडेंटिफाई करना था, और के अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो ये एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था मैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट एंड द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज सेम। समझ आया? यस सर। क्योंकि ऐसे बताता तो सर ये रटने वाला हो गया, याद नहीं हो रहा है, ठीक है याद रहेगा। यस सर। तो क्या आएगा वैल्यू? यस सर 250 मोलर पर मिनट, 250 मोलर मिनट इनवर्स। वेरी गुड। तो ये हो गई बात सेकंड की, थर्ड को कैसे निकालोगे, थर्ड को कैसे निकालोगे, क्योंकि गलती वो भी किया है जो सही आंसर दे रहा था, दो का आंसर सही दिया वो, थर्ड गलत। हाँ सर सर टू के सर सर हाँ देख लिया सर, वो 2K का गलती हो गया। तो फार्मूला कौन सा लगाएं मेरे को ये बताओ सर, a by 2k मतलब हाफ टाइम यहां पे इक्वल टू a by 2k, चलो 2k, वो गलती 2 को मैं स्किप कर दिया। तो क्या किए, k का वैल्यू भी पता कर लिए, a का वैल्यू भी पता कर लिए, है ना, फॉर्मूला दिया है ना a का वैल्यू। यस सर। और k का वैल्यू तो तुम निकाल लिए, क्या निकाले हो 250। तो एक जन क्या करेगा,
ए का वैल्यू दिया है 4 मोलर, टू के का वैल्यू क्या निकला है 250, ठीक है, और इधर क्या इसका वैल्यू क्या आता है मोलर मिनट इनवर्स, यही होगा। अब उसका दिमाग काम कर रहा है कि ये मोलर से मोलर तो खत्म हो जाएगा, इतना तो होगा, तभी तो yes, ये यूनिट जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल ये जो है ऊपर जाएगा तो मिनट हो जाएगा, और इतना तो मैं भी जानता हूँ टाइम का यूनिट जो है मिनट होगा, सेकंड होगा, आवर होगा, तो और मिनट नहीं होगा टाइम का यूनिट। तो मेरे को इतना पता था कि तेरा यूनिट जो है लास्ट में जो सॉल्व हो जाएगा तो अल्टीमेटली कुछ नहीं बचेगा, मिनट सेकंड आवर में ही आएगा, ठीक। अरे यहाँ तक ठीक, अगर मेरे टाइप का कमजोर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, 4 को डिवाइड करना है 500 से, कैसे करूं, ठीक है, तो देसी जुगाड़। अरे भैया ये 1/2k जो था इसको ये 1/2k कर दिया और इनटू में a इज इक्वल टू t हाफ, तो ये चीख चीख के बोल रहा था कि मैं स्लोप हूँ और मैं a हूँ इज इक्वल टू t हाफ इज इक्वल टू स्लोप का वैल्यू अच्छे से दिया था 2 × 10⁻³ मोलर इनवर्स मिनट इंटू ए का वैल्यू दिया है 4 मोलर, बोल रहा है कि टी हाफ निकल जाएगा बच्चा, ठीक है, काट दो मोलर इनवर्स से मोलर को तो मिनट ऐसे ही आ गया, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 × 8, इतना पहाड़ा आता है मेरे को, ठीक है, 4 × 8 × 10⁻³ यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, मिनट, मिनट, समझ आया, यस सर, बनाओगे, अरे बना लोगे, यस सर, यस सर, तो ये उम्मीद मत करना कि ऐसा क्वेश्चन होगा, फिर और मजेदार क्वेश्चन आएगा पेपर में आएगा, लेकिन आई थिंक जो स्टार्टिंग होता है वहां का ये जो जंग लग गया होगा थोड़ा सा वो खुलना चालू हो गया होगा, ठीक है, चलो और आगे बात करें। आगे बात करें, बस हो गया, क्या होते है? और क्लास है आगे, चलो एक प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का डिक्रीज होता है लीनियरली, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज्ड, इसका वॉइस ऑन है भाई, इसका वॉइस ऑन है, ऑफ रखें, विथ टाइम क्या होता है, क्या सर, यस सर, कैसे जस्टिफाई करोगे, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए तो केटी क्या बोलता है, क्या होता है, केटी इज इक्वल टू एक्स, यस सर, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, डिक्रीज होगा, होगा तो कैसा होगा, एक्स क्या है प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो एक्चुअल में एक्स होता क्या है, तो एक्चुअल में एक्स भाई कितना प्रोडक्ट बना, तो बोलोगे कि इतना मैं शुरू में लिया था इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, ठीक है, अब उसमें से एक्स जो है बन गया तो बचेगा कितना, तो अभी मान लो कि ए बचा है तो बाकी कहाँ गए, तो वही तो एक्स बना है प्रोडक्ट,
तो x इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, यही होगा। अरे यही होगा क्यों? क्योंकि अब अगर मैं kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस a रखूंगा तब मैं रिश्तेदारी ढूंढ पाऊंगा इनके बीच, पूछा है मेरे को टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आ गया मेरा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ दिख गया टाइम। तो मेरे को y भी दिख रहा है, अब x दिख रहा है। इसमें तो x दिख रहा था लेकिन y नहीं दिख रहा था। सो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को a चाहिए, तो a चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, kt माइनस ए नॉट, ए नॉट। अरे भैया इधर कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन? क्योंकि ए नॉट को मैं इधर लाया तो ये माइनस से प्लस हो गया, और ए नॉट को मैं अपन जगह में रख रहा हूं तो kt इधर आएगा, तो ये ऐसे बनेगा ना, माइनस kt होगा ना। अरे ऐसे yes, sir. Yes, sir. So, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा y क्या है, तो ये बोल रहा है कि मैं y हूँ क्योंकि तुम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, और ये बोलता है कि मैं x हूँ क्योंकि तुम टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। तो k बोलता है मैं स्लोप हूँ, लेकिन माइनस लगा है सामने में तो निगेटिव स्लोप बनाऊंगा, तो ये बोलता है कि मैं तो इंटरसेप्ट सी हूँ। सो रिलेशन बिकम्स y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। कौन बोलता है कि मैं अब इसको प्लॉट नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं इसके लिए आपको प्लॉट करना सिखा दिया हूं? जी सर बिल्कुल। तो क्या अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो इसका सर्कल कुछ ऐसे दिखेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x विथ रेस्पेक्ट टू y। तो अगर मैं यहाँ पर x रखता हूँ, यहाँ पर y रखता हूँ, इसका सीधा मतलब कि यहाँ पर मेरा क्या है टाइम, और यहाँ है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है क्या? तो बोल रहे हैं कि कोई पहले से ही चिल्ला रहा था कि लीनियरली डिक्रीज होगा, तो बेचारा चिल्ला नहीं रहा था, सही बोल रहा था। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है, क्या मैं जीरो वो यहाँ पर मेंशन करूँ कि नीचे मेंशन करूँ? तो जब x बराबर जीरो पर होगे, दैट इज t इज इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वहां पर जब t इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो a बराबर क्या निकलेगा? तो कोई बोल रहा है a नॉट निकलेगा सर, a नॉट। अरे जब शुरू रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो जितनी अमाउंट में तुम रिएक्टेंट लिए थे उतना ही तो रहेगा क्या? समझ आया? यस सर। और जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो 10 ग्राम लिया था तो 10 ग्राम से कम होना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? किसको समझ नहीं आ रहे? तो इंटरसेप्ट है ए नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड विद टाइम the concentration of reactant is linearly decrease in zero order reaction. क्या आपको दिख रहा है? Yes, sir. मैं क्या पूछूंगा बताऊं आपको, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है? K. माइनस K. ठीक है, अरे समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ऐसा थोड़ी पूछूंगा, मैं तो पूछूंगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वी आई प्लॉट या व्हेन वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी ऑब्जर्व दिस स्लोप 2.0 इनटू फलाना एंड फलाना। ठीक है, तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? अब किसी की याद आएगा, अरे सर एकदम एक क्वेश्चन कराए थे स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। समझ आया? तो भैया
दिमाग में ये रखना कि एक जगह स्लोप पढ़ा दिया तो ऐसा नहीं कि वही ढाल जो है सब जगह रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन कि वहां पर स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या निकल रहा है। अब जो बेचारा जो बी शिव नारायण जो बोल रहा था वो कहीं कहीं इस इक्वेशन के लिए ठीक बोल देगा कि अगर यहाँ स्लोप मैं वो वैल्यू वही दूंगा तो स्लोप जो है बराबर होगा इसके। हाँ सर, टी हाफ मैं देखा नहीं, मैं एक्चुअली उसको टाइम ले लिया, उस कारण से गलती हो गई। क्या बात है, तो टाइम ले लिया तो टाइम के साथ चला कर, ठीक है। वहां पर हम टाइम हमारा टाइम जो है अलग चल रहा था, वहां पे हाफ टाइम चल रहा था, यहाँ फुल टाइम। ओके ठीक ठीक तो हमेशा सब जगह फुल टाइम में चलो। ओके चलो कर लोगे। मैं इस इक्वेशन को बताने का मतलब था कि आपको ये नहीं रख के चले जाना है कि स्लोप आप बताए थे तो स्लोप इज इक्वल टू ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं। इट डिपेंड्स, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन इक्वेशन कि वहां पर कौन सा जो है सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ठीक है कर लोगे? यस सर। वेरी गुड। अटेंडेंस